के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसपीसीटी की मेहनत लाई रंग, मेडिकल कॉलेज से गायब नवजात बच्ची हुई बरामद। माँ की गोद में बच्ची आते ही माँ का गम बदल गया खुशी में, परिजनों ने पुलिस को दिया धन्यवाद। दैवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति रणविजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवी आपदा प्रबंधन जांच समिति की बैठक। बंधों की सटीक जानकारी नहीं दिए जाने पर सिंचाई विभाग के अभियंता पर जताई नाराजगी। कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाना सभी की है नैतिक जिम्मेदारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन एवं अन्य विभागों की मासिक समीक्षा बैठक। भूमाफियाओं तथा सरकारी भूमि पर जालसाजी करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के दिए निर्देश। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। फरार चौधे को बेलीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा आरोपी को भेजा गया जेल। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए SSP ने टाउन हॉल से कोतवाली तक किया रात्रि पैदल गश्त, लोगों से हेलमेट पहनने की अपील, कहा ट्रैफिक नियमों का करें पालन ताकि आपकी जिंदगी रहे सलामत। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए SPCT ने किया अधिकारियों संग बैठक, कहा जल्द होगा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार। दो बाइक चोर चढ़े कैंट पुलिस के हत्थे, CO कैंट ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था एवं अभियोजन समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला को गिरफ्तार करने गई पुलिस से हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने किया नोकझोंक और हाथापाई, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 5 नामजद सहित 20 पर केस दर्ज। फूड पेट्रोलिंग पर निकले SSP ने किया कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट, कहा फरियादियों की समस्याओं के निराकरण का होगा पूरा प्रयास। सुरक्षा के मद्देनजर SP व CO कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया दीवानी न्यायालय स्थित बंदी बैरक व रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण, कहा त्योहारों के मद्देनजर की जा रही चेकिंग ताकि कोई ना हो अव्यवस्था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में नवागंतुक प्रोफेसर राजर्षि गौर का स्वागत एवं व्याख्यान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रोफेसर गौर ने प्लांट वायरस एंड इट्स मैनेजमेंट विषय पर छात्र-छात्राओं को दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान युवा प्रभाग द्वारा पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में संसाधनों की शुरू हुई पड़ताल, कायाकल्प टीम की अगुवाई में फैजाबाद के डॉक्टर अमित शुक्ला और डॉक्टर अरविंद ने शुरू की जांच।